आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बता दें सुबह 8 बजे से ही वोटिंग की गिनती शुरू हो गई है। नगरीय निकायों के लिए 353 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सभी जनपदों में 35,000 कर्मी मतगणना केंद्र पर लगाए गए हैं, ये खबर आपको बता रहे हैं। बता दें गाजियाबाद मेयर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। बता दें वोटिंग की गिनती शुरू हो गई है और लगातार रुझान भी सामने आ रहे हैं, कुछ ही देर में तस्वीर भी क्लियर होती नजर आएगी। बता दें अयोध्या में मेयर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। वहीं शामली नगर पालिका सीट पर रालोद आगे चल रहे हैं। बता दें सभी दलों ने अपनी पूरी दमखम लगाई थी। वहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। लखनऊ मेयर सीट पर बीजेपी की बढ़त बरकरार है। बता दें कांग्रेस की आशनी ने बीजेपी को पीछे छोड़ा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। बता दें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने मतगणना को लेकर ट्वीट किया है। कहा आशा है कि चुनाव आयोग हर एक राउंड के बाद आंकड़े बताता जाएगा, जिससे जन विश्वास बना रहे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये तमाम बातें कही हैं। बता दें कि निकाय चुनाव की मतगणना आज हो रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। ट्वीट आप देख सकते हैं जिसमें अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को घेरा है, जिसमें अखिलेश यादव ने मतगणना को लेकर ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने कहा आशा है चुनाव आयोग हर एक ट्वीट के बाद आंकड़े, और अखिलेश के इस ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे जोश में हैं। हमने जिस तरह का चुनाव प्रचार किया है, जनता के रुझान दिखाई दिए हैं, हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी 17 नगर निगमों में और अधिक से अधिक नगर पालिका और पंचायतों में भाजपा का झंडा बुलंद करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी उस फेल हो जाने वाले बच्चे की तरह से पहले से ही कारण गिनाना प्रारंभ कर चुकी है। अखिलेश यादव जी ट्वीट करके आज निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करने का काम कर रहे हैं। यह हार की पेशबंदी है। जैसे कोई बच्चा जब फेल हो जाता है तो वो कहता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई थी, पेपर ही खराब बनाया गया था, ऐसे तरह तरह के कारण ढूंढने लगता है। आज अखिलेश यादव जी पहले से ही निर्वाचन आयोग पर आशंकाएं व्यक्त करके हार की पेशबंदी कर रहे हैं। निकाय चुनाव की वोटिंग की गिनती सुबह से ही शुरू हो गई है। निकाय चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया सुबह से ही 8 बजे से ये प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि लगातार जो है इसमें बीजेपी अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही। 17 नगर निगमों में बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। तो नगर निकाय चुनाव की रिजल्ट मतगणना जारी है। आपको बताते हैं कि सुबह 8 बजे से ये प्रक्रिया चली है। वहीं भाजपा अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। 17 नगर निगम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस निकाय चुनाव की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प मानी जा रही है, क्योंकि इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के वोटों की गिनती आज सुबह से ही शुरू हो गई है। बता दें वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतगणना के लिए 353 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तो बिल्कुल शहर का निकाय के चुनाव के लिए मतगणना प्रक्रिया जारी है। कौन बनेगा निकाय का नायक, इसके लिए मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, प्राइम टीवी की तरफ से आप देख रहे हैं। नगर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। नगर निगम की 17 सीटों पर बात करें तो भाजपा 14 सीटों से आगे चल रही है। सपा 1 पर, बसपा 1 पर और कांग्रेस 1 पर है। अन्य की बात करें तो एक अन्य का खाता भी नहीं खुला है। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को हुआ था, जिसका रिजल्ट आज घोषित किया जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में 4 मई को पहले चरण में राज्य के 37 जिलों में 52% वोटिंग हुई थी।
वहीं 11 मई को दूसरे चरण में 38 जिलों में 53% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। साथ ही बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में 17 मेयर 1420 पार्षद के साथ साथ नगर पालिका परिषदों के 199 अध्यक्ष और नगर पालिका परिषदों के 5327 सदस्य के लिए वोटिंग हुई थी, जिसका नतीजा सामने आ जाएगा। तो जनता को बता दें कि इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपको मेहमान से परिचय करवा दूं, बता दूं कि बीजेपी से अश्वनी शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से हमसे जुड़े हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से मोहम्मद तकी हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। मैं सबसे पहले बीजेपी की तरफ रुख करती हूँ। बीजेपी का शुरुआती रुझान जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मेहनत रंग लाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सभी वर्गों के लिए पिछले कई सालों में, जब से हम मेयर का चुनाव जीतते रहे हैं, नगरीय वर्गों में बहुत काम किया गया है। ट्रिपल इंजन की सरकार है इस समय, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए हम लोगों ने काम किया है। और हर जगह देखिए, पार्क हो, पीने का पानी हो, सार्वजनिक शौचालय हो, कूड़ेदान हो, सबकी साफ सफाई और सब बेहतर व्यवस्था पर काम किया गया है। उत्तर प्रदेश के नगरों में मार्ग प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हुई है। उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए बेहतर काम किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सभी नगर निगमों में, इसलिए हमको पिछली बार भी पूर्ण बहुमत लगभग मिला था और इस बार भी हम 17 की 17 नगर निगम जीतने जा रहे हैं। अब आने वाले रुझान तो यही बता रहे हैं, अब परिणाम कितना बदलते हैं वो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। रविंद्र जी, बीजेपी आगे चल रही है, आपकी चिंता बढ़ रही है? प्रथम तो बीजेपी आगे चल नहीं रही है। आप इसको सुन लीजिएगा कि सपा महापौर के चुनाव में आगे नहीं चल रही है थी, काफी को आ रहा, तो अभी सपा दो स्थानों पे आगे है। नगर पालिका अध्यक्ष देख लीजिए, हम 23 स्थानों में आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी 21 स्थानों में आगे है। नगर निगम की सीट पर आगे चल रही है सर भाजपा। भाजपा का तो पूरा ही पूरा कब्जा था, हम तो बहुत लंबे समय से नहीं थे, लेकिन दो स्थानों पे आगे हैं। लेकिन आगे सुन लीजिए, रोक क्यों दिया आपने? अध्यक्ष में हम 23 स्थानों पे आगे हैं, भारतीय जनता पार्टी 21 स्थानों पे आगे है। नगर पंचायत अध्यक्ष पे हम 28 स्थानों पे आगे हैं, भारतीय जनता पार्टी 23 स्थान पे आगे है। इसके साथ ही सार उपचुनाव भी हम जीत रहे हैं, 96 का आना बाकी है। तो एक एक जो ट्रेंड चलाया है 2017 के बाद कि योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार हार रही है, तो इस चुनाव में भी, दोनों उपचुनाव में और नगर निकाय चुनाव में भी वो ट्रेंड बरकरार रहेगा। इस ट्रेंड को हमने बरकरार रखा हुआ है, ये कहना गलत है, क्योंकि तीन स्तर के अध्यक्ष होते हैं। तीनों स्तर के अध्यक्ष को देखिएगा तो हम भाजपा से काफी आगे हैं। अश्वनी जी, आपके पास आऊंगी, उससे पहले तकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तकी जी, वोटिंग की गिनती शुरू हो चुकी है, आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? पिछली बार आपने नगर निकाय में तो कुछ सीट जीती भी थी, लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो वो प्रदर्शन नहीं रहा था जो आप चाहते थे, अब की कहां देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश जनता ने बहुत प्यार दिया। हम जहां भी गए, लोगों ने हमारा स्वागत किया, काफी लोगों ने हमारी बातों को सुना, काफी संख्या में भीड़ जुटी और उन्होंने आम आदमी पार्टी की विचारधारा, आम आदमी पार्टी की सोच को अप्रिशिएट किया, उसको सराहा। और हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह ने ताबड़तोड़ रैलियां की, 24 जिलों में 90 से ज्यादा रैलियां लगातार की, और लगातार आम आदमी पार्टी ने हर जिले में, हर नगर पंचायत में, हर नगर पालिका में जनता से सफाई की, जनता का संवाद किया और अपनी बात को रखा। हालांकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, आम आदमी पार्टी जो है लगातार सक्रिय उत्तर प्रदेश में और भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है आम आदमी पार्टी इस बार पिछली बार से काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी। और नगर पंचायत में, नगर पालिका में आम आदमी पार्टी की सीटें पिछली बार से ज्यादा अच्छी आएंगी जे। और कई मेयर प्रत्याशियों में भी आम आदमी पार्टी काफी आगे रहेगी और एक आध सीट आम आदमी पार्टी निकाल भी सकती है। अश्वनी जी, समाजवादी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंस में है, कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है कि वो लगातार आगे बढ़ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
कहां आगे बढ़ रही है वो तो दिख रहा है। कितना पिछला मेयर का चुनाव देख लीजिए, कितने दिन हो गया इनका मेयर नहीं रहा है पूरे नगर निगम में जो यहां पर है, और इस बार भी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, अभी ये कह रहे थे सब उपचुनाव, मैनपुरी का उपचुनाव नेताजी के निधन के बाद हुआ था, तो वो नेताजी को एक श्रद्धांजलि स्वरूप जो है दे दिया जनता ने, लेकिन रामपुर और आजमगढ़ को भी याद रखें। वही स्वार और छानबे का भी हश्र होने जा रहा है आज, अभी आप देखते रहिए क्या स्थिति है। आज हम इसको बताना चाहेंगे कि ये समाजवादी पार्टी को जनता नकार चुकी है। समाजवादी पार्टी देखिए 14 से जब से अध्यक्ष बने हैं माननीय अखिलेश जी, तब से कितने चुनाव हारे हैं, ये सारे चुनाव हारते जा रहे हैं, उसके बाद भी इन लोगों को ये लगता है कि नहीं हम हैं, तो एक पार्टी के होने के नाते लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं और इसमें उनको एक पॉजिटिव रहने की जरूरत होती है और ये पॉजिटिव है, मगर अंततः ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता का आशीर्वाद, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ योगी आदित्यनाथ जी के साथ है इस समय। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस सुरक्षा व्यवस्था, जिस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर काम कर रही है, उसको सतत आगे बढ़ाने का काम करेगी और जनता उसको देख रही है, इसलिए जनता हमारे साथ है। रविंद्र जी, योगी जी ने जमकर प्रचार किया, उनके मंत्रियों ने जमकर प्रचार किया, लेकिन आपके अखिलेश यादव उतना एक्टिव नजर नहीं आए। अब देखिए इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। करते और कोई काम तो करते ही नहीं है, ये तो चुनाव के दौरान है, जब चुनाव नहीं रहता है तब भी प्रचार ही करते रहते हैं। फिर भी सर वोट तो मिल रहा है ना? वोट नहीं मिल रहा है, आप लोग किस दृष्टिकोण से कह रही हैं? बिल्कुल सर, देखिए रुझान एक बार आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाई हुई है। मैं बता रहा हूँ, आप जोड़िए जोड़िए, 25 सीट पे वो आगे हैं, 30 सीट पे हम आगे हैं नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष पे, पालिका अध्यक्ष पे वो 22 पे आगे हैं, हम 26 पे आगे हैं जी, ठीक है। और नगर निगम में भारतीय जनता नगर निगम पे वो 14 पे आगे हैं, हम 2 पे आगे हैं, टोटल तीनों अध्यक्षों को जोड़ लीजिए, तो योगी जी की वही परफॉर्मेंस जो 17 के बाद से लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 9 सीटें हरा दिया और आगामी विधानसभा में 57 सीटें हरा दिया। अब की पहली बार ऐसा होगा कि योगी जी के नेतृत्व में हम कम से कम 5 से 8 सीटें लेके नगर निगम में आएंगे, फिर योगी जी में एक तमगा जुड़ जाएगा हार का, और नगर पालिका के नेतृत्व में 17 की 17 हम जीतने जा रहे हैं प्रभु जी। अश्वनी पिछली बार में हम 17 की 17 जीते जा रहे हैं। मुझे लगता है बीच में हस्तक्षेप ही नहीं, उनको उनको बुलवा लीजिए, जब उनका खत्म हो जाएगा तब कहिएगा मैं बोल लूंगा। वो बोलिए उनको, बहुत बेचैनी है, बोलिए बोलिए, हाँ नहीं उनको बहुत बेचैनी है, उनको बोल लीजिए, शाही जी को बोलिए बोलिए, बस इतना सुन लीजिए, अश्वनी जी ने कहा है कि वो 17 की 17 सीट जीत रहे हैं, अब जवाब दे दीजिए। अच्छा नहीं होता है ये, जो अच्छे पैनलिस्ट होते हैं वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि आप अगर यहाँ बैठी हैं तो आप एक सभापति की हैसियत से बैठी हुई हैं, इतनी बेचैनी क्यों होगा? बात रखिए रविंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। तो मैं कह रहा हूँ आप इन तीनों को जोड़िए ना, हम बता रहे हैं अगर हम ही आपको तीनों को जोड़ के 58 स्थानों पे हम आगे हैं और 52 स्थानों पर ये आगे हैं, और आपने भी कह दिया भैया आप तो सभापति हैं, आपने कैसे कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी आगे है? सर रुझान को देखते हुए, ये कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, रुझान को देखते हुए 17 नगर निगम सीट की मैंने बात की, मैं भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी उसमें आगे चल रही है। मैं भी तो रुझान से बता रहा हूँ, निकाय केवल महापौर का नहीं होता है, निकाय में 3 प्रकार के अध्यक्ष होते हैं, तो जब आपको बताना पड़ेगा तो तीनों प्रकार के अध्यक्षों को बताना पड़ेगा जी। एक प्रकार का अध्यक्ष बता के निकाय का अगर आप करेंगी तो ये जनता को एक गलत मैसेज जाएगा। तो अब मैं कंक्लूड कर देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत बेचैन है, योगी जी को हार का एक और तमगा लाने जा रहा है, और दूसरा एक ऐड कर दूं कि हम विधानसभा उपचुनाव में भी जीत रहे हैं, कर्नाटक में हार हुई है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 जगह हार दे दी, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब अपनी उल्टी गिनती शुरू करें और 24 तक का इंतजार करें। वो जो एक सज्जन है ना कि जो लोटा लेके निकल जाएंगे, अब उनको तैयारी कर देगी, अब लोटा लेके निकल लेंगे।
अश्वनी जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त में है, तो क्या कहना चाहेंगे, मोदी लहर है कि योगी लहर है? है तो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की, दोनों की लहर है। पूरे देश में हमारे एक मात्र नेता माननीय मोदी जी हैं, जो विश्व में भी सबसे लोकप्रिय हैं। और रविंद्र जी जिस तरीके से कह रहे हैं लोटा लेकर निकल जाएंगे, 18 करोड़ हमारे मेंबर हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और आप उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकले हैं। तो कुएं का मेंढक हमेशा कुएं की बात सोचता है, समुंदर और शहर देखता नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश से बाहर 0.5% भी वोट इनको पूरे देश में कहीं मिला हो तो बता दें, और उत्तर प्रदेश की जनता तो इनको नकार चुकी है। आज जिस तरीके से गिन रहे, नगर निगम पर बात नहीं कर रहे हैं, और नगर मैं 199 नगर पंचायत की बात कर, वो नगर उसकी पालिका की बात कर रहा हूँ। 21 पर हम आगे हैं, 21 पर ये आगे हैं, तो वहां बराबर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो शुरुआत हुई है, 199 है, 544 नगर पंचायतें हैं, उसमें हम इनसे आगे चल रहे हैं, तो अभी आने दीजिए, ये रुझान है। और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, जीत भी होगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं मयूरी जी, इनकी तरह हम नहीं कहते हैं, ये लोकतंत्र है, जनता जनार्दन होती है, जनता का जो भी फैसला होगा, चाहे वो जीत का हो और चाहे वो आशीर्वाद कम मिला हो, हम सबको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी फिलहाल रुझान यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के तरफ बढ़ रही है। जी तकी जी, आपने तमाम मुद्दों को लेकर निकाय चुनाव में आप उतरे, जनता के बीच गए तमाम मुद्दों को लेकर, तो क्या लग रहा है जनता का, कितना विश्वास आप जीत पाएंगे? देखिए आप देखिए, शुरुआत से तो आम आदमी पार्टी तो लोगों ने पसंद किया, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह चुनाव लड़ा है, वो इन्होंने जानपुर के चुनाव को डिले किया, जैसे इन्होंने दिल्ली में किया था कि चुनाव को डिले किया, फिर तीनों दिल्ली के अंदर जो नगर निगम थे उनको विलय कर दिया, और उसके बाद तसीबत बदला, चीजें बदली, तो सेम पैटर्न पे इन्होंने उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके चुनाव को डिले किया। उसके बाद आयरन फायरन 20 दिन पहले इन्होंने अनाउंस कर दिया कि चुनाव होने वाला है। 20 दिन तैयारी के बहुत कम थे किसी व्यक्ति के, जहां तसीबत बदला गया है, जनसंख्या बदली गई है, वार्ड बदले गए हैं, चेंजेस किए गए हैं तमाम, वहां एक प्रत्याशी नया आया है जिसका अभी भी पहले ये नहीं था कि वहां पे आरक्षण होगा, नहीं होगा, ओबीसी आरक्षण हुआ, वो वार्ड ओबीसी में चला गया, वो बंदा 20 दिन पहले आया है और उसका चुनाव डिले कर दिया गया। तो आनंद फानंद ने बीजेपी ने जिस तरह चुनाव कराया है, चुनाव इस तरह से कराया है बीजेपी को ज्यादा जीत मिले, ताकि ये दिखा सके कि ये उत्तर प्रदेश का नहीं देश का सेमीफाइनल है, क्योंकि अभी आने वाले जो चुनाव है अन्य राज्यों में, वहां सभी बीजेपी हार रही है, कर्नाटक में हार रही है, मध्य प्रदेश में हार रही, राजस्थान में भी हारेगी, छत्तीसगढ़ में भी हारेगी, झारखंड में हारेगी। तो बीजेपी को मजबूरी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को बड़ा करके दिखाए, ताकि जनता के ऊपर एक मानसिक दबाव क्रिएट कर सके, जनता को रुझा सके। लेकिन ये सब जो क्या गया है वो दिखाता है कि बीजेपी यूपी निकाय चुनाव में अपने आप को कहां देख रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी को तो लोगों ने हाथों हाथ दिया, लोगों ने बहुत पसंद किया है, हमने धुआंधार रैलियां की, हमने जितने भी नगर पंचायत है, नगर निगमपालिका, मेन लड़ाई तो बीजेपी और सपा में मानी जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी देखिए, नगर पंचायत में और नगर पालिका में आम आदमी पार्टी अच्छा करेगी, वहां सीटें निकलेंगी, और ये पुनः पिछले बार जो चुनाव हुए थे उसी की पुनरावृत्ति है, ज्यादा कुछ नया नहीं मिलेगा। पिछली बार भी बीजेपी को नगर पंचायत में कम सीटें मिली थी, नगर पालिका में कम सीटें मिली थी, लेकिन उन्हें नगर निगम की सीटों को और मेयर की सीटों को बहुत बड़ा करके बता दिया था। आपको याद होगा सिर्फ 30% सीटें बीजेपी को मिली थी और 70% सीटें विपक्ष के पास चली गई थी, लेकिन मीडिया में जो हाईलाइट किया गया था वो सिर्फ नगर निगम की सीटों को हाईलाइट किया गया था, वही इस बार किया जा रहा है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। जिन्होंने जो चुनाव पर नजर रखते हैं उस चीज को मानने के, लेकिन सर लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, राज्य में सरकार में है, संसाधन के पास है, संस्थान के पास है, ये जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं सबको जग जाहिर है। और जनता इस बार देखिए, जनता का रुझान इतना कम था वोटों में, और वोटों में वोटर लिस्ट में कितनी भारी गड़बड़ी थी, लोगों के नाम पूरे पूरे परिवारों के नाम गायब थे, जिसको माना बाद में, कब कह रहे कि उसका संशोधन किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, अब तो चुनाव हो गए, अब क्या कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, कितने बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो परिणाम कुछ और होता। मतलब आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई जीत हासिल कर ली? देखिए चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं, जिस तरह की अनियमितताएं बरती गई, जिस तरह से आनंद फानंद में चुनाव लड़ा गया है, वो मैं पहले दिन से कह रहा था चुनाव इसलिए से लड़ा, चुनाव को ये बीजेपी को जीत करके दिखाया जाएगा कि बीजेपी
अश्वनी जी, आपने तकी जी को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। देखिए तकी जी और पूरा विपक्ष जब चुनाव हारता है तो कभी ईवीएम पर, कभी सरकार के ऊपर, कभी निर्वाचन आयोग के ऊपर, कभी कोई जांच होती है तो संस्थाओं के ऊपर ये आरोप लगता रहता है। ये नया नहीं है, अब पूरे देश को इसकी आदत पड़ चुकी है। तो अब इससे इनकी बातों से लगा, जो आपने कहा कि इन्होंने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, तो अब किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, विपक्ष मान चुका है। और तकी जी का जो इशारा था वो बिलाप की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर से अब दो दिन बिलाप होगा, ईवीएम और निष्पक्ष और ये और वो, वही चीजें चल रही हैं। अभी थोड़ी देर बाद, एक घंटे और रुक जाइए, सारी स्थिति 11 बजे तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है। आम आदमी पार्टी की कहीं उपस्थिति नहीं है, समाजवादी पार्टी में कहीं बढ़त नहीं बनाया हुआ है, आम आदमी पार्टी लोगों का दिल जीता है, सीटें भी जीतेगी। अश्विनी जी, तकी जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए तकी जी कुछ कह रहे हैं। जी तकी भाई बताएं। हम कह रहे हैं चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लोगों का दिल जीता है, लोगों के मुद्दों को उठाया है गंभीरता पूर्वक, और आने अभी रिजल्ट पूरी तरह से नहीं आया है, आम आदमी पार्टी सीटें जीतेगी और बड़ी बढ़त बनाएगी, अभी तो शुरुआती फेज चल रहा है। तकी भाई ये अच्छी बात है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पार्टियों को इस तरीके से फाइट करने का हक है, जनता को उनको चुनने का अधिकार भी है। और लेकिन जनता तो आजकल बड़ी जागरूक है, वो देख रही है कि पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है, कितने भ्रष्टाचारी कहाँ किस पार्टी में है, कितने लोग कहाँ किसके जेल में है, सब कुछ देख रही है। ऐसा नहीं है, जनता जागरूक है, इस तरीके से देख रही है। 55 करोड़ का बंगला, फेस में सेकंड फेस में भारी संख्या में लोग वोट डालने निकले, लेकिन वोट नहीं तो वापस लौट गए वो। जो फैक्टर हैं और इस चुनाव में भी काम करेगा वो फैक्टर। रविंद्र जी, अश्वनी जी वही कह रहे हैं कि अभी एक घंटे बाद पता चल जाएगा, फिर से वही विलाप होगा कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, तमाम तरह की गड़बड़ी निकल कर सामने आई है। अरविंद के बात का कोई मतलब नहीं है, जो तथ्यात्मक बातें नहीं कर सकता है, अशब्द शब्दों का प्रयोग करेगा तो उसके बाद का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने एक शब्द कहा, मैंने कौन सा शब्द बोल दिया भाई, तो कुएं के मेढक ने मैंने क्या बोल दिया, क्या क्या किया था, हरियाणा में हराया था, नंदिनी जी अगर मैंने कुछ बोला हो तो बताया जाए, इनको बुलवा लीजिए, क्या अशब्द बोल दिया इनको, बुरा लगा। शाही जी को इतना मौका दे दीजिए शाही जी को कि आज ये संतुष्ट हो जाए कि हमारे अंदर जो भी गुबार था सब निकल गया। शाही जी को तो देश मौका दे रहा है प्रभु, आप बोलिए, आप चलिए आपका, आप बोल लीजिए, बोल लीजिए, बोल लीजिए। और इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में मेयर सीट के लिए कांटे की टक्कर लगातार जारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें मेयर सीट पर भाजपा की सुषमा खरकवाल आगे चल रही है, पल पल की अपडेट आपको प्राइम टीवी दे रहा है। दूसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी वंदना मिश्रा चल रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। लखनऊ में मेयर सीट के लिए कांटे की टक्कर लगातार जारी है, बता दें बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई मानी जा रही है। मेयर सीट पर भाजपा की सुषमा खरकवाल आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी वंदना मिश्रा चल रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, अश्वनी शाही जी, लगातार भाजपा बढ़त बनाई हुई है, लखनऊ से मेयर सीट पर सुषमा खरकवाल आगे चल रही हैं। जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी और का जो है पूरा, मैंने कहा ना 17 के 17 में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, अभी ये रुझान है, नतीजे अभी एक घंटे में बदलना शुरू हो जाएंगे। सर भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है लखनऊ में, तो टेंशन तो नहीं बढ़ रही? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं बढ़ रही है, अभी मैंने शुरुआती चीजें हैं और अभी बस 11 बजने दीजिए, 11 बजे तक काफी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है हमारी यहाँ की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वो चुनाव जरूर लड़ेगी, उसके पास भी वोटर हैं, उनके पास भी कुछ वोट है, मगर प्रदेश की जनता
ये देखती है कि नगर निगम में बेहतर व्यवस्था कौन कर रहा है। बच्चों के लिए पार्क हमने बनवाया है और बुजुर्गों के टहलने के लिए भी वहां पर व्यवस्था समुचित व्यवस्था की है। नगर निगम में मार्ग प्रकाश शानदार हो रहा है। अमृत योजना में पानी का हमको ट्यूबवेल और उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं लोग कि कौन किसकी व्यवस्था कैसी है। एक बार बुलाने पर नगर निगम के सफाई कर्मचारी वहां चले जाते हैं, कहीं भी गंदगी हो कुछ भी हो। तो जनता जागरूक है और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर कोई भी चीज होता है तुरंत पूरे जितने नगर निगम हैं सभी नगर निगमों में हमारे माननीय मेयर जो है सबने बेहतर परफॉर्मेंस दिया, काम किया और हम लोगों ने नए लोगों को भी मौका दिया कि नए लोग आए। और जैसे लखनऊ में ही नए लोगों को मौका दिया गया, अब सुषमा जी आई है, सुषमा जी और अपने नए नए चीजों से नगर निगम लखनऊ को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। भारतीय जनता पार्टी चतुर्दिक सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो सबके लिए ट्रिपल इंजन की हमारी जो ये सरकार है बहुत ही शानदार देश में काम कर रही है और मजबूती से हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। वीरेन जी, लखनऊ मेयर सीट की बात करें तो वंदना मिश्रा पीछे चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझसे पूछ रहे हैं जी? नगर निगम में हमारी उपस्थित नहीं थी, मैंने पहले बता दिया आपको। सर मैदान में तो थे ना, मैदान में तो थे ना, पहले ही आप मान लिए कि आपकी उपस्थिति नहीं थी। पिछली बार भी मैदान में थे। देखिए अगर आपको मुझे टोकना हो तो आप शाही जी को पूरा मौका दे दीजिए। आप अखिलेश यादव क्या कर रहे थे नगर निगम में जाकर? प्रत्याशियों के लिए खुद वो वोट मांग रहे थे और आप बता रहे हैं हमारी उपस्थिति ही नहीं थी। शाही जी से पूछ लीजिए, वो आपकी बात का समर्थन कर देंगे। नहीं, आप कह रहे हैं हमारी उपस्थिति नहीं थी। आपके अखिलेश यादव प्रचार करने जाते हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं। आपको बीच में अगर टोकना है। नहीं सर, आप कह रहे हैं हमारी उपस्थिति ही नहीं थी, तब आपके अखिलेश यादव क्या करने गए थे? चार अक्षर बोला, उसके बाद मेरा पूरा सेंटेंस था। आप टोक के बैठ गए, आप ज्यादा बड़े एनालिस्ट हैं क्या? आप अपनी पूरी बात रखिए, टोकना हो तो मत करिएगा। नहीं रविंद्र जी, आप अपनी पूरी बात रखिए। नहीं टोकना हो तो आप बोल लीजिए, आप ही भविष्यवाणी करके पूरे भारत पूरी बात रखिए। मैं अपनी पूरी बात रख रहा हूँ। हमारी नगर निगम में पिछली बार उपस्थित नहीं थी और इस बार हम दो जगह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। लखनऊ में बहुत स्लाइट मार्जिन से हम पीछे हैं। दूसरी बात, लगातार हम नगर पालिका और नगर पंचायतों में इनसे आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये इसको अगर हमको कुएं का मेढक कह रहे हैं तो अभी तो उत्तर प्रदेश में एक कुएं का मेढक है। ये उत्तर प्रदेश में एक कुएं का मेढक अगर तीनों नगर निकायों के रुझानों में आप जीरो दिख रहे हैं। वो आपके पास होगा जो हमारे पास डायरेक्ट फीडबैक है। आपके पास क्या रुझान है? दिख रहा होगा आपके पास क्या रुझान है? भारतीय जनता पार्टी 14 में 2 में समाजवादी पार्टी है, अध्यक्ष में हम लोग हैं, 29 स्थानों पे आ गए, ये 23 स्थानों पे आ गए हैं। पंचायत में हम है 41 स्थानों पे आ गए, ये है 36 स्थानों पे आ गए। तो ये हमारा है। आप टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे कि टीवी वालों को बहुत देर से मिलता है, तो जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा। जो हम अपनी स्क्रीन पर रुझान चला रहे हैं तो क्या आप उसे गलत मानते हैं? जो आपके पास रुझान है आप उसे सही कह रहे हैं? रुझान किसको कहते हैं? रुझान तो यही है कि आपके शून्य हमें दिखाई दे रही है। तो आप और ये इलेक्शन कमीशन के रुझान है, ये इलेक्शन कमीशन के रुझान। सुन लीजिए जो 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 कर्नाटक से परिणाम आ रहे हैं अभी आपको रुझान का मतलब पता लग जाएगा। सर निकाय चुनाव की बात ना, निकाय चुनाव की जिसमें आप तो रुझान के बारे में मालूम ही नहीं, तो आपको क्या बात बताएं जी? ठीक है अश्वनी जी, आपने टीवी पे मानने को तैयार ही नहीं है कि वो शून्य पर है। नहीं है शून्य पे, हम दो स्थानों पे आ गए हैं। की जो झुझलाहट है वो साफ दिखाई दे रही है कि वो दो स्थानों पर आ गए हैं। वो हताशा दिखाई दे रही है। 17 में 16 स्थानों पर हम आ गए हैं, एक स्थान पर बीएसपी आगे चल रही है। अभी की ये ताजा जानकारी है और इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है, तो ये नहीं मानेंगे उस चीज को, क्योंकि हताशा घेरे हुए है। अभी इसी तरीके से इन लोगों ने 2022 के चुनाव में एक आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि हर जगह हर 20,000 वोट हमारे खत्म कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांग लिया, जवाब देते नहीं बन रहा है इन लोगों को, तो क्या करेंगे आप? आज ये लोग सिर्फ और सिर्फ बिलाप कर सकते हैं क्योंकि
आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं और एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें मतगणना स्थल पर जमकर मारपीट हुई है, उन्नाव से खबर आपको बता रही है, उन्नाव से खबर सामने आ रही है जहां काउंटिंग के दौरान बसपा भाजपा प्रत्याशियों में जमकर मारपीट हुई है। टेबल नंबर 17 पर जमकर मारपीट हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बवाल मस्ता हुआ नजर आया, उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। जिला प्रशासन के जिम्मेदार, पुलिस तमाशा देखती रही है। नगर पालिका उन्नाव के टेबल नंबर 17 पर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, वहीं दूसरी तरफ मारपीट का मामला सामने आया है जहां मतगणना स्थल पर जमकर मारपीट हुई है, उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। काउंटिंग के दौरान बसपा भाजपा प्रत्याशियों में मारपीट हुई है। बता दें यूपी निकाय चुनाव की वोटिंग लगातार जारी है, अब भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई नजर आई है। बता दें कि 16 सीटों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। ये अभिराम दास वार्ते ने दिल्ली सुल्तान अंसारी जीते, आपको बड़ी खबर बता दें कि अभिराम दास वार्ते दिल्ली सुल्तान अंसारी जीते हैं। अयोध्या से हम आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं, अश्वनी पूरा वार्ड से सपा के जगत नारायण जीते हैं। बड़ी खबर निकाय चुनाव को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं, पाटेश्वरी वार्ड से निर्दल अजय पांडे ने जीत दर्ज की है। नगर निकाय चुनाव की बड़ी पल पल की अपडेट प्राइम टीवी आपको दिखा रहा है। अयोध्या से नगर निगम में पार्षद चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। सीधा चलते हैं रवीन जी की तरफ। रवीन जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे थे, एक एक दिन में 4-5 जनसभाएं की, तो क्या लगता है वही मेहनत रंग ला रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए? उसका उत्तर मैं आपको दे चुका हूं कि उनके पास कोई काम है क्या? भारतीय जनता पार्टी बढ़त नहीं है, आप कह रही हैं, मैं तो कह रहा हूँ बढ़त नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। मेहनत की बात हमारे यहाँ का तो आप ये बताइए, चलिए आप बढ़त बनाए, चलिए आपके अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप सुनिए बढ़त, आपके बढ़त का डिफिनेशन में बता दे रहा हूँ, आपके बढ़त का डिफिनेशन में बता रहा हूँ। हम नगर पंचायत में ये 36 है, बता दीजिए आप क्या मानते हैं, आप अपने रुझान बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए, ये 36 स्थान में है नगर पंचायत में, हम 41 स्थान में है, ये बढ़त है। अब आइए ये नगर पालिका में 23 स्थान पे है, हम 29 स्थान पे है, ये 16 स्थान पे है, अब हम घटके 2 थे, अब हम घटके 1 स्थान पे हो गए हैं सर। नगर निगम में, नगर निगम में 0 हो गए हैं, नहीं अभी हम 1 हो गए, हम जो हो रहे हैं, हम जो बता रहे हैं हम वही बताएंगे, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा रुझान आया है उसको आप नहीं मानेंगे। इलेक्शन कमीशन का कोई रुझान नहीं आ रहा है, आप अगर हो तो स्क्रीन दे दीजिएगा, आपके पास कहां से आ रहा है? हम लोग जुड़े हुए हैं, अपने अपने कार्यालय से जुड़े हैं, कार्यालय दे रहा है, कहीं गलती नहीं कर रहा है ना, अभी 2 था मैंने घटा के 1 कर दिया ना, और आपने टिप्पणी नहीं किया, नगर पंचायत में टिप्पणी नहीं किया, नगर पालिका में टिप्पणी नहीं किया, निगम को लेके बैठ गई। ये गजब है, ये पत्रकारिता आपकी, दे रहे हैं फिर चाहे वो नगर निगम को लेकर हो या नगर पालिका या नगर पंचायत, सब चीज के लिए बता रहे हैं। अश्वनी जी आप बोलिए, नगर पालिका में, नगर पालिका में क्या होता है? तैयारी नहीं है, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो रुझान दिए गए हैं उसको वो नहीं मान रहे हैं, वो अपने रुझान मान रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कार्यालय से जुड़े हुए हैं। अरे ये लोग इलेक्शन कमीशन से बड़े हैं, कार्यालय से जुड़े हैं, मैं तो वही कह रहा हूँ, बहुत बड़े हैं, चुनाव आयोग को ये लोग नहीं मानते हैं, आखिर इनके कार्यालय पर कहां से आ रहा है? इलेक्शन कमीशन ही तो दे रहा है, पूरे प्रदेश का जो संकलन है असली, चाहे ये कुछ भी कह ले, ये तो कह दे अभी हम 16-17 पर आ गए हैं, वो नहीं माना जाएगा, जब इलेक्शन कमीशन बाकायदा डिक्लेयर करेगा कि ये इस पर आ गए हैं तभी माना जाएगा। इन लोगों को कहने दीजिए, ख्याली पुलाव मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत हैं, नगर पालिका के 26 और 27 हैं एग्जैक्ट, अभी 26 भारतीय जनता पार्टी, 27 ये हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आगे वहां चल रहे हैं, एक सीट पीछे चल रहे हैं इनसे, लेकिन 16-17 में 16 पर हम आगे हैं, इसको ये नहीं मानेंगे, ये 0 हैं। अभी कांग्रेस कानपुर में आगे थोड़ी देर के लिए हुई थी, कांग्रेस पीछे हो गई, सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी हमसे आगे चल रही थी, वो एक सीट पर आगे चल रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है चीजें सोचनीय है,
और इन लोगों की बौखलाहट ये बता रही है कि मतलब मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध है और इसको ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जी ठीक है तकी जी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है, आप कहीं नजर नहीं आ रहे? देखिए आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और इतनी बड़े प्रदेश में सारे सीटों पर चुनाव लड़ना अपने आप के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है और हमारी जीत और हमारी हार हम ही डिफाइन कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता और हम हमेशा जीते हैं। हमने उन लोगों में पैठ बनाई है, संगठन को बड़ा किया है, भारी संख्या में हमारी जो सभाएं थी उसमें भीड़ उमड़ी है, लोगों ने आम आदमी पार्टी को बहुत अप्रिशिएट किया है। लेकिन हमेशा जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी द्वारा और समाजवादी पार्टी द्वारा और मीडिया के द्वारा भी ये कहा जाता है कि चुनाव हमेशा दो बच्ची है तो वोटर एंड में कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि ऐसा ना हो कि अगर आप वोट किसी और पार्टी को दे तो कोई हार जाए, कोई बीजेपी जीत जाए या समाजवादी पार्टी हार जाए या पैसा वर्षा उल्टा हो जाए, तो इसलिए वोटर हमेशा कंफ्यूज रहता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आम आदमी पार्टी को वोट जो है इस बार पिछली बार से काफी ज्यादा मिलेंगे और आम आदमी पार्टी नगर पंचायत में नगर पालिका में अच्छा प्रदर्शन करेगी पिछली बार से। और ये मीडिया में आप देखिए कल पेपरों में दिखाई देगा, कल पेपरों में ज्यादा बात होगी नगर निगम की और नगर पंचायत को और नगर पालिका की जीत को, भले ही जो विपक्ष की ज्यादा हो उसको कम करके दिखाया जाएगा जैसे पिछली बार हुआ था। तो और इसका सेहरा योगी जी पे पाला जाएगा और कहा जाएगा हम उत्तर प्रदेश जो है वो 2024 के लिए तैयार है, तो पूरा एक तरह से स्क्रिप्टेड चुनाव लग रहा जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था ये जिस चुनाव जो है वो डिजाइन किया गया है कि बीजेपी को जिताने के लिए, इसीलिए इतनी ज्यादा अनियमितता है, स्क्रिप्टेड चुनाव है। देखिए आम आदमी पार्टी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ ये लोग इनका इतिहास गवाह है कि इन लोगों ने बताइए अगर आप इतने कॉन्फिडेंस दे तो चुनाव डिले क्यों हुआ की बात आती है तो इतनी सारी निमित्ता क्यों है, वोटर लिस्ट के अंदर भारी संख्या में लोग नहीं थे, इतनी कम वोटिंग क्यों हुई, 35% वोटिंग हुई लखनऊ के अंदर, 50% ज्यादा वोट नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर 53% के आसपास। तकी जी तो आप करा वोट नहीं डाल पाए, आप भी तो एक लोकतांत्रिक पार्टी माना है कि भारी गड़बड़ी हुई, पेपरों में आया माना गया है, चुनाव आयोग ने माना है गड़बड़ी हुई है, पेपरों में आया क्यों आया, आप करा लिए होते, आपने अपने वोट बनवा लिए होते, वोट पहुंचवा दिए होते, वोट ज्यादा परसेंट हो गया होता, जब कुछ दिन पहले वोट दिखाए दिए नहीं है ये, और जब लिस्ट आई तो वोट डाल गायब क्यों, शीला दीक्षित जी के लिए आप पर्चा लहराइए उसके बाद यही आप आदमी के ऊपर आरोप लगाने का काम है आपका, आप आरोप लगाइए संख्या में हट जाइए, बड़ी संख्या बड़ी संख्या में वोटर यही होता है आप लोगों को के पास कुछ है नहीं, आज जमीन तलाश रहे हैं, जमीन तलाशते तलाशते हिमाचल में भी गए थे जमीन तलाशने, वहां पे पैदल हो गए, आप गुजरात में भी जमीन जनता ने दे दिया आपको, वहाँ पंजाब भी गए थे, उत्तर प्रदेश में अभी बहुत समय लगेगा, बहुत दूर है, आसाम में सीटें जीते हम, जम्मू में भी हमारे जीते, सूरत में जीते। अश्वनी जी नहीं नहीं आप तो भाई राष्ट्रीय पार्टी है तो आप जरूर उतने परसेंटेज में आपके पास वोट आए होंगे, ऐसा थोड़े ही है कि नहीं आया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी आपको बहुत समय लगेगा, गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है, आरोप उत्तर प्रदेश की जनता, अरे हम तो अभी जवान हैं, अभी तो हम बहुत यंग हैं, आरोप नहीं बन, हम समय के लिए तैयार हैं। अश्वनी जी क्या बात है, बीजेपी का इस चार प्रचारकों का नतीजा है या काम का नतीजा है? देखिए बीजेपी का स्टार प्रचारक तो जहां पर सफलता वाले होते हैं वो तो है, माननीय मोदी जी का कोई वो सानी नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी का कोई सानी नहीं है पूरे देश में, लेकिन सब सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में देखिए जिस तरीके से विकास किया गया है, तीन चार मुद्दे उत्तर प्रदेश में बहुत हावी रहे हैं। पहला रहा है माफिया राज से मुक्ति, बुलडोजर का मामला यहाँ पर बहुत तेजी से रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट रहा है, उद्योगों का यहाँ लगना रहा है, अभी समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी एक एक्सप्रेस वे उनकी शासन सत्ता काल में बना उस पर से नीचे नहीं उतरे, हम 19 की परिकल्पना लेकर चले हैं, 6 चालू हो चुका है उसमें से, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश का बढ़ता चला जा रहा है, 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लेकर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक महान और अनूठी उपलब्धि है, तो उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। आज बेरोजगारी ले लेती हूँ रविंद्र जी,
ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आप लोगों ने तंज किया मेरे ऊपर कि आपके पास निर्वाचन आयोग भेज दे रहा है। देखिए ये है निर्वाचन आयोग का कर्नाटक का। अगर इस प्रकार से आपके पास में अगर कोई निर्वाचन आयोग भेज रहा हो या वेबसाइट पे दे रहा हो तो बता दीजिए। तो कर्नाटक में क्या, और अगर नहीं दे सामने आ रहा है कर्नाटक से वेबसाइट से ये लगातार दे रहा है ईसीआई, और अगर इस तरीके से उत्तर प्रदेश में दे रहे हो तो आप लोग दिखा दीजिए, नहीं अपनी गलती मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ईसीआई कोई भी सूचना नहीं जारी कर रहा है। पहली बात तो जनता को भरमाना नहीं चाहिए। दूसरी विषय है, अभी अभी एक राउंड का चुनाव था और हमारे महोदय ने कह दिया कि हम 17 सीट पे जीत गए, तब तो वही माना जाएगा जो तकी भाई कह रहे थे। रुझान है बाकी हमारे भी कुछ सोर्स होते हैं। आप दिखाइए ना ईसीआई से जो आपको आ रहा था वो दिखाइए, हमें तो दिखा दिया आपको। पर दिखा रहे हैं आप, मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं नहीं आप जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आप अपना दिखा रही हैं, ईसीआई का दिखाइए। चलिए ठीक है, ये तो अरे ये तो नतीजे से दिखा दीजिए मैडम प्लीज। आपने भी तंज किया, शाही जी ने भी तंज किया। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। एक बार आपको नतीजे बता दें तो नगर निगम की 17 सीटों का रुझान सामने आ गया है, जिसमें भाजपा 16 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, वहीं सपा 0 पर है और बसपा 1 सीट पर नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है और अन्य 0 पर नजर आ रही है। वही अगर नगर पालिका की बात करें तो 199 सीटों पर रुझान सामने आ गया है और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है हमारे सामने। लगातार रुझानों में भाजपा आगे नजर आ रही है। बता दें नगर निगम की 17 सीटों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। रुझानों में 16 सीटों पर भाजपा का कब्जा नजर आ रहा है, ये रुझान है जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। लगातार रुझानों में भाजपा आगे चल रही है। बता दें ये शुरुआती रुझान है जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे चल रही है। नगर निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही है, शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें बीजेपी की अर्चना वर्मा को 5983 वोट मिले हैं। पल पल की अपडेट आपको प्राइम टीवी दे रहा है। बता दें सपा की माला राठौर को 1635 मत मिले हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसपी की सगुफ्ता अंजुम को 468 वोट मिले हैं। तो लगातार हम आपको अपडेट दें, कांग्रेस की निकहत इकबाल को 2223 वोट मिले हैं। लगातार नगर निकाय चुनाव आम आदमी पार्टी की सुमन वर्मा को 212 वोट मिले हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वहीं भाजपा इसमें सबसे आगे चल रही है। कानपुर में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे आगे है। कानपुर में प्रमिला पांडे आगे चल रही है। बीजेपी की प्रमिला पांडे को प्रथम राउंड में 3695 वोट मिले हैं। लगातार बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए, बीजेपी की आशनी अवस्थी को पहले राउंड में 2723 वोट मिले हैं। कानपुर में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे आगे चल रही है। बता दें वोटिंग की गिनती शुरू हो चुकी है, रुझान भी सामने आने लगे हैं। बता दें कुछ ही देर में तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आएगी। बता दें लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी की आशनी अवस्थी को पहले राउंड में 2723 वोट मिले हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वही नगर निगम